आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में बीते एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार की देर शाम आई मेडिकल रिपोर्ट में 30 नए संक्रमित मरीज मिले। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के संक्रमित चिकित्सक पति पत्नी के घर में बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क में आने से संक्रमण की आशंका जताई जा रही है, जिसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। और बाहर से आने वाले लोगों में कुछ भोपाल तो कुछ पंजाब के लोग शामिल हैं और इन सभी ने एक साथ दीपावली का त्योहार भी मनाया है। आशंका है कि बाहर से आने वाले परिवार के संपर्क में आने से ही चिकित्सक दंपति कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को 776 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 30 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 8 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि ठंड बढ़ने के साथ ही संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ी है। एक्टिव केसों की संख्या बढ़ाकर 308 हो गई है, जबकि शहर में 9 संक्रमित मरीज मिले। इधर रीवा के संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सक पति पत्नी की हिस्ट्री तैयार की जा रही है और सभी की जांच कराई जा रही है। बताया गया कि दीपावली त्योहार पर चिकित्सक के परिवार के सभी लोग रीवा में एकत्रित हुए थे, जिसमें कुछ लोग भोपाल से तो कुछ लोग पंजाब से भी आए हुए थे। त्योहार बीतने के बाद परिवार के सदस्य बाहर चले गए और उसके बाद चिकित्सक दंपति द्वारा जांच कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं चिकित्सक परिवार की जांच की गई है, जिसमें 6 लोग पॉजिटिव मिले। बताया गया है कि नौकर को मिलाकर संख्या अब 7 हो गई है। इसके अलावा सभी की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। इधर रीवा के ही सिरमौर में 4, गंगेयों में 3 केस मिले, जबकि रायपुर, करचुलियान और त्योथर में 2-2, नईगढ़ी, मऊगंज में 1-1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल पॉजिटिव 3150 हो गए हैं, जबकि 2811 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।